भाई सब कार्टन हो गया था मील का 20 नंबर से आज तक अगर तो 20 क्विंटल भी गन्ना नहीं गया किसान का। ये है पूरी प्रोसेस, मील खराब हो रहा है बार बार, गन्ना नहीं उठा, गन्ना सूख रहा है समय। एक व्यक्ति तुम्हारी पिलाई सुचारू रूप से नहीं कर रही है, व्यक्ति कमजोर हो गई है, कल पुर्जे पुराने हो गए, साथ चीनी मिल खराब होती जा रही है बार बार। कितने काम प्रभावित है? पूरा जिला प्रभावित है। 300 करोड़ रुपए आए नहीं, वो खाली वायदा करते रहते हैं कि चीनी मिल का उच्चीकरण कराएंगे, और सौभाग्य से यहाँ के जो गन्ना मंत्री वो प्रभारी मंत्री हैं हमारे सहारनपुर वाले, क्या नाम है, राणा जी, वो गन्ना मंत्री हैं। गन्ना मंत्री रहते हुए उसी जनपद के प्रभारी हैं, गन्ना मिल नहीं चल पा रही है, इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। या तो के एक विधायक भी है दलवीर सिंह, वो भी जो है कई बार, वो भी गन्ना मंत्री रहे हैं और आजकल वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। गन्ना किसानों की जो समस्या है, क्योंकि हमारी चीनी मिल जो साथा चीनी मिल है, थोड़ा सा उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आई शुरुआत में, जिसकी वजह से समय पे संचालित नहीं हो पाई, लेकिन इधर उसमें काफ़ी सारी खामियां दूर कर ली गई हैं। तो किसानों की प्रॉब्लम है और हमने भी केंद्र कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इनके जो हमारा गन्ना क्षेत्र है उसको अन्य शुगर मिलों को भी आवंटित कर दिया जाए, और आसपास के गांवों को भी हमने साबितगढ़ में चीनी मिल है उसमें संबद्ध किया है। नहीं, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया देखिए, शासन के द्वारा इस बार आउटसोर्स किया गया है, एक कंपनी है जिसको मेंटेनेंस का काम दिया गया है, उसने मेंटेनेंस का काम भी किया, लेकिन कुछ शुरुआती तकनीकी समस्याएं आई हैं। लेकिन दो दिन से, कल से फैक्ट्री ठीक चल रही है, मेरी आज GM से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अब जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं वो दूर हो गई हैं और शीघ्र ही जो है इसका संचालन सामान्य हो जाए।